शिमला जिला के रामपुर आसपास के बौद्ध मंदिरों में महापंडित गुरु पद्म संभव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही बौद्ध मंदिरों में बौद्ध समुदाय के लोग पूजा पाठ में जुटे रहे। इस दौरान बौद्ध मंत्रों के जाप के साथ बौद्ध अनुयायियों द्वारा दिए जला शांति का पाठ पढ़ा गया। रामपुर के बौद्ध मंदिर माने कमेटी व दूसरे बौद्ध संगठनों ने भी प्राणी कल्याण व सुख शांति के लिए पाठ किया। बौद्ध अनुयायियों ने बताया कि इस दिन को गुरु पद्म संपत के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और उनके दिशा निर्देश व संदेश को आम जनमानस तक पहुंचाते हुए अमन चैन की कामना की जाती है। उन्होंने बताया कि रामपुर बौद्ध मंदिर किन्नौर आनी निर्मण सराहन व अन्य क्षेत्रों से गुरु पद्म संभव के जन्मदिन को मनाने आते हैं। रामपुर के ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर में सर्वप्रथम पूजा अर्चना की गई। लामाओं के सानिध्य में घंटों तक बौद्ध धर्म का पाठ पढ़ाया गया और मंत्रों के उच्चारण से शांति व भाईचारे का संदेश दिया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में दिए जलाएंगे और एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। लामा ने बताया कि 8वीं शताब्दी में गुरु पद्म संभव महात्मा बुद्ध के भविष्यवाणी के अनुसार फूल में ही अवतरित हुए थे। उन्होंने 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रयास किया। उनके द्वारा दिए गए संदेश आज मानव कल्याण के लिए सकारात्मक संदेश देते हैं। माने कमेटी प्रधान शीला नेगी ने बताया कि आज बौद्ध मंदिर रामपुर में पद्म संभव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। ये समूचे बौद्ध अनुयायियों के लिए एक उल्लास का पर्व है। लामा टीके नेगी ने बताया कि रामपुर स्थित बौद्ध पूजा पाठ का आयोजन किया गया। ये बौद्ध धर्म के लोगों को सकारात्मक ऊर्जा देता है। इस दिन महापंडित गुरु पद्म संभव का जन्म हुआ था। सोलन में अब्दुल कलाम मानव जागरण मंच द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता संस्था के मुख्य सलाहकार अमरजीत सिंह ने की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उनकी संस्था प्रदेश में किन उद्देश्यों को लेकर पंजीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता है कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ हो और उसे किसी भी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रखा जाए। इसको लेकर उनकी संस्था प्रदेश के हर कोने से महिला कार्यकर्ताओं को अपना सदस्य बना रही है ताकि वे गाँव वासियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिलवा सकें। अधिक जानकारी देते हुए संस्था के मुख्य सलाहकार अमरजीत सिंह ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा प्रदेश में संपूर्ण स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत हिमाचल प्रदेश की 7000 महिलाओं को भारतीय कार्यकर्ताओं के रूप में जोड़ा है जो गांव-गांव में जाकर महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों को उनके शारीरिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगी। उन्होंने बताया कि ये महिलाएं सेवा भाव से कार्य कर प्रदेश को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था ने अपने स्तर पर सर्वे करवाया जिसमें पाया गया कि आज भी प्रदेश के गांवों में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हैं, इसलिए उनकी संस्था उन्हें स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगी। उन्होंने बताया कि भारतीय कार्यकर्ता घर घर जाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध करवाएंगे। सोलन में किसानों का किसी भी हालत में शोषण ना हो इसको लेकर जहां प्रदेश सरकार कदम उठा रही है वहीं एवीएमसी भी सख्त कदम उठाने जा रही है। ये जानकारी एवीएमसी सोलन के सचिव डॉक्टर आर के शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि किसान सारा वर्ष मेहनत करते हैं और अपनी फसलों को वह सोलन की सब्जी मंडी में लेकर आते हैं। कई बार उनका पैसा आढ़तियों के पास फंस जाता है। उनकी मेहनत का पैसा ऐसे ना फंसे और उनका किसी भी तरह से शोषण ना हो। अधिक जानकारी देते हुए एपीएमसी सोलन के सचिव डॉक्टर आर के शर्मा ने कहा कि सोलन में किसानों की मेहनत का पैसा आढ़तियों के पास ना फंसे इसके लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पहले अगर आढ़ती किसी ढंग से किसानों की खून पसीने की कमाई को हड़पने की कोशिश करता था तो उस पर कार्यवाही करने के लिए कोई सख्त कदम नहीं था, लेकिन अब आढ़तियों से एपीएमसी 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख तक की सिक्योरिटी मनी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले आढ़ती बिना आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन के सोलन सब्जी मंडी में व्यापार नहीं कर पाएंगे।